अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं उठा सो के तो यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो जहन में ख्याल आया कि मतलब ज़ाहिर आई हैव ब्रेड एंड एग एवरी डे, तो मेरे जहन में जो अंडा था उसकी ना मतलब आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग इट, और उसका तो पिंक योक वगैरह होता है तो वो जहन में आ रहा था। तो देन आई आस्किंग स्टार्ट आस्किंग माय सेल्फ कि वो जो अंडे हैं यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ दे आर ऑफ द बेटर क्वालिटी, ठीक है, तो मतलब उसकी प्राइस क्या है। उसमें मेरे जहन में आया कि यूके में कितने के होते थे ना, सो दैट लेट मी टू यू नो थिंक अबाउट दिस ब्लॉग के एक छोटे सी वीडियो बनाते हैं जिसमें ना यहाँ की जो पाकिस्तान में कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है बंदा ग्रोसरी वगैरह के, उसको यूके के ना प्राइस से कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल गेट अ वर्डिक्ट आउट ना। तो ये वीडियो उसके बारे में, यू नो आई एम सिटिंग इन माई गार्डन राइट नाउ, नाइस ऑटम सनशाइन, सो कैन लेट स्टार्ट। यू नो मैंने कहा बाहर बैठ के थोड़ा कैप्चर करते हैं। सबसे पहले जो है ना आइटम वो है, और मैं साथ साथ लिस्ट भी करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले है एग्स। तो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था बात अंडों से स्टार्ट हुई थी कि इधर दो क्वालिटी के होते हैं, हम जो लेते हैं वो हैं ओमेगा 3 इनरिच्ड एग्स, ठीक है, दे आर वेरी गुड क्वालिटी। वो जो हैं वो हैं जी 240 रुपीज़ पर डज़न, ठीक है। और यूके में जैसे हैप्पी एग्स फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मेरे फेवरेट्स है, तो उनकी जो प्राइस है वो हमने रुपीज़ में कन्वर्ट की है, 696 रुपीज़ पर डज़न, ठीक है। तो अंडे पाकिस्तान में यू नो चीपर हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाए मिल्क की बात करते हैं। मिल्क जो है यहाँ पे प्रेमा मिल्क होता है, थ्री टू फोर डे शेल्फ लाइफ होती है उसकी, वो यहाँ पे है 160 रुपीज़ पर लीटर। यूके में जो था यू नो इट टर्न्स आउट टू बी जो भी बड़ी पॉइंट्स वाला होता था, लेकिन पर लीटर इज़ 95 रुपीज़, सो यू नो यू के इज़ चीपर इन टर्म्स ऑफ मिल्क। फिर आ जाएँ ब्रेड को ले लें, यहाँ पे जो है डॉन ब्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल 120 रुपये की है, यू के में जो होविस थी यू नो वो 234 रुपीज़ की बनती है। सही, अगेन ये रुपीज़ वाइज है, जस्ट फॉर टू मेक इट एप्पल्स फॉर एप्पल्स टू एप्पल्स, ज़्यादा परचेजिंग पावर हर कंट्री में डिफरेंट होती है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया ना अबाउट ओवरऑल ग्रॉस प्राइस। आटा जो है, आटा इज़ लाइक 900 रुपीज़ यहाँ पे, चक्की का जो आटा होता है मतलब प्री पैक्ड होता है, मीडियम चक्की आटा जिसे कहते हैं। यूके में इसका इक्विवेलेंट जो है वो एलिफेंट आटा जो था उसे कंपेयर किए तो दिस इज़ बेसिकली यूके में 2000 रुपीज़ पर केजी है, पाकिस्तान में 900 रुपीज़ पर केजी है। सही है। इसी तरह शुगर जो है, शुगर पाकिस्तान में जो है वो है 132 रुपीज़ पर केजी, मतलब 150 का भी आया था लेकिन अभी करंटली 132 रुपीज़ पर केजी का एक मतलब आइटम जो मिल रहा है। और यूके में ये जो थी ये है 146 रुपीज़ पर केजी। सही है। सॉल्ट जो है वो है आपका 247 रुपीज़ पर केजी पाकिस्तान में, यूके में जो था वो है 283 रुपीज़ पर केजी। चिकन जो है पाकिस्तान में है जी 455 रुपीज़ पर केजी, इन द सेंस कि ये वो चिकन है जो ऑलरेडी यू नो स्किन्ड मिलता है, यू नो क्लीन एंड स्किन्ड, तो यूके में ज़्यादातर हमें पता है उस तरह की मिलते हैं ऑलरेडी ना प्री पहले से जो हलाल किए हुए, तो यहाँ पे 455 रुपीज़ पर केजी है। यूके में हमने मैंने मतलब अपनी वो ग्रोसरी लिस्ट देख रहा था जो वहाँ से होती थी, तो मतलब मीडियम चिकन जो है वो 5 पाउंड पर केजी था, तो मतलब टर्न्स आउट टू बी 1180 रुपीज़ पर केजी जो चिकन है। बीफ जो है वो है यहाँ पे 875 रुपीज़ पर केजी, यूके में है 1888 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। योगर्ट जो है, और आई थिंक ये जो है 8 केजी में लगाया था बीफ, तो वहाँ पे प्रीमियम से ही महंगा था, 12 का होता था, बट एनीवेज जो योगर्ट है, योगर्ट इज़ 323 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे, और इंग्लैंड में जो था ये 531 रुपीज़ पर केजी। टोमेटोज जो हैं यहाँ पे 138 रुपीज़ पर केजी, इंग्लैंड में 493 रुपीज़ पर केजी। अनियन जो हैं वो है 52 रुपीज़ पर केजी, और यूके में जो था वो है 200 रुपीज़ पर केजी। इसी तरह टी जो है ये हैं 440 रुपीज़ के, 440 रुपए के 80 टी बैग्स पाकिस्तान में, इंग्लैंड में जो था 708 रुपीज़ के 80 टी बैग्स थे। सही है। यहाँ पे टपाल से कंपेयर किया था, वहाँ पर और टी से कंपेयर किया था हमने। इधर जो है हार्पिक जो है आपका क्लीनर, वो 375 रुपीज़ पर है, जो पर मतलब एक जो बॉटल होती है सेम बॉटल जो यूके में 750 ग्राम की, दैट इज़ 236 रुपीज़, ठीक है, तो वो सस्ता है यूके में। सोप जो है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, पर मिलीलीटर यू नो हमने जो पाम ऑयल से कंपेयर किए। टूथपेस्ट जो है वो भी कोलगेट के जो कंपेयर किए, यहाँ पे 175 रुपीज़ पर 100 ml, उधर है 619 रुपीज़ पर 100 ml।
वॉशिंग पाउडर जो है वो यहाँ पे है सर्फ का 285 रुपीज़ पर केजी, और उधर जो है वो 472 रुपीज़ पर केजी। और मटन जो है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँगा आपको बाद में, मटन जो है यहाँ पे 1300 रुपये पर केजी है और इंडियन में 1180 है पर केजी। सो ये ओवरऑल मतलब यू नो एक लिस्ट थी कंपैरिजन की। फिर मेरे पास यहाँ डेल्टाज हैं जस्ट टू गेट एन इंडेक्स आउट राइट कि कौन सी चीज़ें नेगेटिव, मतलब कौन सी चीज़ें सस्ती हैं कौन सी महंगी हैं। तो उसकी यही जो लिस्ट है जैसे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, इसमें मैंने पाकिस्तान माइनस यूके की है। पाकिस्तान माइनस यूके का मतलब है कि अगर नेगेटिव आंसर है उसका मतलब है कि पाकिस्तान में चीज़ सस्ती है यूके में महंगी है, पॉजिटिव है तो यूके में सस्ती है पाकिस्तान में महंगी है। तो मैं आई जस्ट गो थ्रू द नंबर्स, इसी चीज़ के डिफरेंस बात करते हैं। पहला आइटम था वो है 456 रुपीज़ यू नो का फ़र्क है, ठीक है, अंडे जो थे उस यानी कि -456 पाकिस्तान में सस्ते हैं। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट आइटम था वो 65 रुपीज़ प्लस है, यूके में सस्ता है मिल्क। इस तरह फिर आगे -114 आ गया, फिर उसके बाद -1165 ये आटे का एक बिग डिफरेंस है, ठीक है। अब ज़ाहिर है यहाँ हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, यहाँ पे सस्ता है, वहाँ पे यूके में इंपोर्ट होता है। इसी तरह -14 रुपीज़ का एक और आइटम है, -36 रुपीज़ यू नो। फिर बड़ा अगला मेजर डिफरेंस है -725 जो चिकन का है पाकिस्तान में सस्ता है। बीफ जो है वो 1000 रुपये तकरीबन पाकिस्तान में सस्ता है। मटन, अच्छा मटन जो है ना इंटरेस्टिंगली 120 रुपीज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 120 रुपीज़ प्लस में, यानी कि यूके में मटन सस्ता है पाकिस्तान में महंगा है। वेरी इंटरेस्टिंग कि बाकी मीट आइटम्स जो हैं दो वहाँ पे काफ़ी फ़र्क है, पाकिस्तान में सस्ता है यूके से लेकिन जो मटन है वो पाकिस्तान में महंगा है। एज ऑन डिमांड की वजह से, सप्लाई और डिमांड का चक्कर है, बस कुछ तो है, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज मोस्ट आइटम्स जो है ना वो पाकिस्तान में सस्ते हैं, जैसा मैंने वेंट थ्रू इट। हार्पिक जो था वो एक आइटम है जो यूके में सस्ता है, अदर देन दैट यू नो पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर चीपर। निदा वांटेड मी टू मेंशन कि डिटर्जेंट की क्वालिटी जो है, अब वहाँ सस्ता तो है डिटर्जेंट लेकिन ही शी फाउंड कि यूके में ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, जो ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर मे बी दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे सस्ता वो है और वहाँ पे महंगा है। बट ओवरऑल ठीक है, ये तो प्राइसेस है ना। बट इंटरेस्टिंगली व्हाट आई आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज़ के जी अब परचेजिंग पावर भी डिफरेंट है राइट पाकिस्तान और यूके में। यूके में पीपल आर जनरली वेल ऑफ, तो क्या उसको जहन में रखते हुए इज़ दिस स्टिल जस्टिफाइड या अभी यहाँ पे चीज़ें फिर भी महंगी हैं जनरली स्पीकिंग। जो जो वाइब आता है यू नो न्यूज़ वगैरह में और जो यू नो इन्फ्लेशन की बात की जाती है तो वो तो यही आता है कि ये चीज़ें यू नो दीज आर एक्सपेंसिव देन, बिकॉज अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की इनकम वगैरह देखें उस लिहाज से यू नो दीज आर स्टिल एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान एज अपोज टू द यूके, मतलब अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट इन द कंपेरिजन। I thought के you know it would be good to have a you know short video on this. For me the most interesting fact is के chicken और beef Pakistan में काफ़ी cheap है लेकिन mutton जो है वो that is cheaper in England. That's like you know वही purchasing power वाली अगर आप बात करते हैं उसको ध्यान में रखते हो कि एक country की purchasing power weak है yet mutton is so expensive. So maybe that's what people say. But anyways, hopefully आपको ये short video comparison की interesting लगी होगी। And this was one for the record. Until next time, aap sab log apna khayal rakhna. Allah Hafiz.